हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमृत कौर। आई होप आप अपने घर पे सेफ होंगे। स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल्स, यानी कि ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण जो उन्होंने जो तैयार किया है उसके आधार पर जो बुनियादी शिक्षण है, जो हमारा बेसिक टीचिंग्स है, उसका मॉडल की बुनियाद ग्लेजर ने जो है 1962 में की थी। इसमें शिक्षण को तौर तरीकों को आधार से लेकर ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया बनाई गई थी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं, तत्पश्चात स्टूडेंट के जो स्टार्टिंग जो बिहेवियरल है उसको एनालिसिस किया जाता है। ग्लेजर के शिक्षण प्रतिमान में प्रशिक्षण प्रक्रिया को चार बुनियादी तत्वों में बांटा गया है। इन तत्वों द्वारा पाठ्य सामग्री को सरल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये जो चार बुनियादी तत्व हैं ये इस प्रकार से हैं। अनुदेशात्मक यानी कि उद्देश्य, ये जाता है बाद में अनुदेशात्मक प्रक्रिया में, और उसके बाद प्रारंभिक व्यवहार और निष्पादन मूल्य। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स में। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाता है जिन्हें किसी अनुदेशन की समाप्ति पर प्राप्त करते हैं। यह शिक्षण अधिगम के आधार पर कार्य करता है और शिक्षण विशेष विधि को निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। इसमें अनुदेशन जो हमारे उद्देश्य हैं उनके द्वारा आगे आने वाले उद्देश्यों को डेवलपमेंट, उसमें जो हमारी लर्निंग है और उसमें जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है उसका हमें जो है हमें गाइड होता है, गाइड किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कार्य विशेषण यानी कि अपना भी कह सकते हैं। अनुदेशात्मक के ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्षों का उजागर करना होता है। भावात्मक पक्ष का उद्देश्य स्टूडेंट्स की भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्य में लाए जाने वाले चेंजेस के बारे में होता है। काल्फर्ड और डिकैको ने अपनी जो एक पुस्तक है अधिगम और अनुदेशन का मनोविज्ञान में इसको इसके तीन उद्देश्यों का वर्णन किया है। पहला स्कूल का उद्देश्य, शिक्षक का उद्देश्य और स्टूडेंट का उद्देश्य। तीनों को मिलाकर ही अधिगम और अनुदेशन का मनोविज्ञान तैयार होता है। स्टूडेंट, इसमें हमारा सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर। ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के दूसरे भाग यानी कि अनुदेशात्मक प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अधिगमों के लिए भिन्न भिन्न अनुदेशन प्रदान करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इन उन क्रियाओं को बताया गया है जो किसी पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रस्तुत की प्रयुक्त की जाती हैं। अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है, जैसे प्रश्न पूछना, डिस्क्रिप्शन, अपना भाषण, शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग करना इत्यादि। अनुदेशात्मक प्रक्रिया के द्वारा स्टूडेंट के बिहेवियर में जो चेंजेस किए जाते हैं, वास्तव में वह प्रक्रिया बुनियादी तौर पर तीन तरह की होती है, वर्बल, एक्साइटमेंट और जिसको हम संकेत अधिगम कहते हैं, यानी कि जो हमारा हम जिसको इशारों से समझा पाते हैं ऐसी लर्निंग। इसमें स्टूडेंट हमारा तीसरा पॉइंट है एंटरिंग बिहेवियर यानी कि प्रारंभिक व्यवहार। जब विद्यार्थी शुरू में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है तो शिक्षा से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान होता है, इसलिए अनुदेशात्मक उद्देश्य और प्रारंभिक व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के द्वारा इस तत्व का वर्णन करते समय प्रारंभिक व्यवहार की तैयारी, परिपक्वता, व्यक्तित्व एवं विभिन्नताओं के शब्दों में अंतर स्पष्ट करना अति आवश्यक होता है। शिक्षाविद ओसोबोल के अनुसार तत्परता या तैयारी किसी अनुदेशात्मक उद्देश्य के संदर्भ में विद्यार्थियों की वर्तमान क्षमता की पर्याप्तता है। पूर्व व्यवहारों का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, अधिगम सेट यानी कि लर्निंग सेट, अधिगम योग्यता यानी लर्निंग एबिलिटीज और अधिगम स्टाइल यानी कि लर्निंग स्टाइल। अधिगम सेट दो बातों पर निर्धारित होते हैं, सीखने के लिए सिखाना और अधिगम संरचना। अधिगम योग्यता जो है विभिन्न योग्यताओं की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, और अधिगम स्टाइल में नए प्रत्ययों और सिद्धांतों को सीखने के दौरान सूचना प्राप्त करने का व्यक्तिगत ढंग भी शामिल होता है। स्टूडेंट, इसमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, उसके अंतर्गत इसमें विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों के अनुदेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति का को इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें स्टूडेंट को सीखने का तरीका और उन्होंने क्या सीखा
ये हम जानते हैं। इस इवैल्यूएशन को जांचने के लिए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके पश्चात उनकी जो वीकनेस होती हैं उनको देखा जाता है और उनको इवैल्यूएट किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं को हम तीन जो है हम हमें लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ जो है वो हमारे पास है, जो हमारा फीडबैक है उससे हमें इवैल्यूएशन के बाद पता लगाना है कि स्टूडेंट ने अनुदेशन उद्देश्यों को ग्रहण करने में कितनी सक्षमता दिखाई है। यदि विद्यार्थी अनुदेशन उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो गया है तो शिक्षक उसे अगले अनुदेशन को शुरू करने के लिए कह सकता है। यानी कि अगर वो एक टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट में क्लियर कर जाता है तो उसे सेकेंड टेस्ट के लिए मोटिवेट करना, कि अगर वो कुछ पहला पॉइंट सीख चुका है तो उसे आगे की तरफ और जो है प्रोत्साहित करना। दूसरा है फीडबैक के द्वारा हमें पूर्व व्यवहार की उपयुक्तता को पता करने अनुदेशन के अंत में सहायक व्यवहार का मापन किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण द्वारा अनुदेशन का मूल्यांकन भी किया जाता है, जितना सीखा है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट भी कर सकते हैं। फीडबैक का प्रयोग अनुदेशन प्रक्रिया की उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। यदि किसी एक अनुदेशन प्रक्रिया का प्रभाव कैसा चल रहा है, अनुदेशन प्रक्रिया के प्रभाव को विभेदीकरण दिया गया हो, यानी कि हमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए इस बुनियादी शिक्षण का जो मॉडल है हमें उसको अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके साथ साथ हम स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा ज्ञान जो है और उसकी जो है नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ग्लेज़र के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की आधारभूत तत्वों के रूप में जो व्याख्या यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लेज़र्स बेसिक मॉडल इन टर्म ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।